यूनिडायरेक्शन में कुछ लोग इसमें डबल ई टू के तो नहीं है। हेलो, उन्हीं के लिए फोन था कॉलेज से, डबल ई वन टू। देखिए जैसे मान लो ये कोई जो है और इसमें जो है यूनिडायरेक्शनल हमको डायमेंशन करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हमें कैसे करना होगा। सबसे पहले हम 2 mm की गैप पे इसको खींचेंगे और इसके बाद में 8 mm की गैप पे इसको जो है, इसमें क्या है कि बीच में हम लोग लिखते हैं, मिडिल में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो बनाएंगे। आवाज आ रही ना? अरे भाई बोल तो दो। ये जो है हम लोग बनाएंगे और इसमें जो है मिडिल में हम लोग लिखते हैं, जैसे ये 50, अगर ये 40 है तो इसके बी मिडिल में हम लोग 40 लिखेंगे। यही दोनों में यहाँ पे लाइन पूरी रेगुलर होती है, यहाँ पे लाइन पूरी रेगुलर नहीं होती है, यही दोनों में अंतर है ना, यूनिडायरेक्शन। और अब जैसे ये है तो इसमें जो है 2 mm हमने इधर खींचा, 2 mm की गैप पर एक लाइन, 2 mm की गैप पर इधर लाइन खींची और 8 mm की गैप पर हमने इधर लाइन खींची, बट मिडिल में हमें लिखना है तो मिडिल को हमने छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एरो क्रिएट किया। यहाँ पे ठीक है, अभी अगर ये जो है 90 की है तो हम 90 मिडिल में लिखेंगे, यही दोनों में अंतर है। यूनिडायरेक्शनल मेथड ये है आपका, यूनि डायरेक्शनल मेथड। और वहां पे एलाइन मेथड है, आप देख सकते हो दोनों, ये अलाइंड है और ये जो है यूनिडायरेक्शनल। समझ में आया सबको? हेलो, समझ में आ रहा? बोलो भाई। बताइए, हाँ आप लोग म्यूट हैं, चलो हमारी आवाज पहुंच रही कि नहीं, हमारी पहुंचना चाहिए। यू आर म्यूट, म्यूट तो नहीं दिख रहे इसमें आप लोग। हाँ अब आवाज बताइए, सबको अनम्यूट, हमने तो कर यस सर आ रहा है, आ गया ना, लेकिन यस हमारी तो पहुंच ही रही थी। दोनों में यस अंतर सर, है, दोनों में देखो नहीं सर, इसमें सिर्फ जो है मिडिल में लिखते हैं हम लोग और इसमें जो है रेगुलर लाइन होती है, अगर बॉटम है तो लाइन के हमेशा अबव लिखेंगे और लेफ्ट राइट में है तो हमेशा लाइन के
लेफ्ट में लिखेंगे, बस इतना ही अंतर है दोनों। क्लियर सर? ए4 पेपर के दोनों साइड बना सकते हैं? हाँ हाँ, दोनों साइड बना के, लेकिन फोटो जो है एक ही साइड की ना भेजना, वो दोनों साइड की भेजना, ठीक है? ओके सर, ठीक। किसी को कुछ पूछना है? डिफरेंस क्या एक बार और बताओ, ये देखो डिफरेंस क्या है एक बार और। देखो डिफरेंस इसमें देख रहे होगे, रेगुलर लाइन है ना, फिर एरो बने हुए हैं और लाइन रिटन वर्ग कहाँ है, जैसे 60 का है तो लाइन के हमने एबब लिखा है, आपको दिख रहा होगा लाइन के हमने कहाँ लिखा है, एबब लिखा हुआ है, यहाँ भी एबब लिखा है लाइन के, यहाँ भी एबब लिखा है। और जहाँ लेफ्ट राइट में है अगर, तो हम जो है जैसे ये एक डायमेंशन लाइन है, तो हमने कहाँ लिखा है इसको, लेफ्ट साइड में लिखा है। क्लियर? और अगर यूनिडायरेक्शनल मेथड की बात करें, ये अलाइन मेथड था, यूनिडायरेक्शनल की बात करें, तो हमने एक रेगुलर लाइन नहीं खींची है, उसके मिडिल में दोनों रेगुलर लाइन के मिडिल में हमने जो है जैसे 40 का है तो 40 लिखा है, 90 है तो 90 लिखा है, ठीक है? बाकी वही है कि 8 mm छोड़ के आपको जो है खींचना है लाइन, और 2-2 mm का गैप रहेगा वहां पे, ठीक है? और कुछ सर? ये जो टाइप ऑफ डायमेंशन आपने बताया, इसमें भी हम लोग वो स्कूल नेम और ये सब पूरा लिखेंगे, रोल नंबर वगैरह? नहीं नहीं नहीं, आपको एक ही बार बॉटम में, जैसे आपने पहली सीट बनाई तो पहली सीट को मेंशन करने के लिए उसके जो है राइट बॉटम कॉर्नर में एक ही बार बनाना है, जैसे एक सीट में सिर्फ एक बार बनना है। अब वो सीट दो दिन चले तो कोई बात नहीं है, आपको काम एक ही बार करना है, टाइटल ब्लॉक, एक सीट में टाइटल ब्लॉक एक बनेगा बस। क्लियर? मतलब नई सीट नई टाइटल ब्लॉक? हाँ, नई सीट नई टाइटल ब्लॉक। नई सीट का मतलब है दूसरा नंबर होना चाहिए, अगर एक नंबर है तो एक नंबर के लिए एक टाइटल ब्लॉक, सीट नंबर वन के लिए। अभी ये सीट नंबर वन ही चल रही है, पिछले टर्न पे ही चली थी, इस टर्न भी, तो सीट नंबर वन के लिए जो पिछली बार आपने टाइटल ब्लॉक बनाया होगा अब बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो मैं यस सर अब जो है एंड करूं मीटिंग। ओके, थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास। सर सीट का मींस पेज नहीं है ना? क्या सीट? सर सीट का मींस पेज है या नहीं? हाँ, पेज A4 नहीं बनाना ना इसको, A4 पे आप बना सकते हो, ठीक है? टाइटल